हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपके अपने चैनल रिव्यू फॉर्म में। आज मैं आपको 5 बेस्ट 4G कीपैड मोबाइल के बारे में बताने जा रहा हूं। तो अगर आप एक कीपैड मोबाइल खरीदना चाहते हो तो आज की वीडियो को पूरी देखेगा। आज की वीडियो में मैंने आपको 5 डिफरेंट कंपनीज के मोबाइल के बारे में बता रखा है, जिसके अंदर आपको डिफरेंट स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। जो 5 नंबर पर हमारा फ़ोन है, ये आता है इंटेक्स की तरफ से और इसका नाम है इंटेक्स टर्बो प्लस 4G। इसका प्राइस है 1999 रुपीज़ और इसके अंदर आपको 512 MB की रैम देखने को मिल जाएगी। साथ में यहाँ पे आपको 2.4 इंच की एक TFT डिस्प्ले मिल जाती है। यहाँ पर आपको 2 MP का रियर कैमरा देखने को मिल जाएगा। उसके साथ आपको यहाँ पे 0.3 MP का सेल्फी कैमरा भी मिल जाता है। इसके अंदर आपको 2000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है और साथ में यहाँ पर आपको 4 GB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है, जिसको आप अपनी मेमोरी कार्ड लगाकर यहाँ पर 32 GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा फ़ोन है, ये आता है रिलायंस की तरफ से और इसका नाम है रिलायंस जियो फ़ोन। इसका प्राइस है 1999 रुपीज़ और ये आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगा। इसके अंदर आपको 512 MB की रैम देखने को मिल जाती है। साथ ही में आपको यहाँ पे 2.4 इंच की TFT डिस्प्ले मिल जाती है। अगर हम बात करें इसकी कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 2 MP का रियर कैमरा देखने को मिल जाता है। उसके साथ ही आपको यहाँ पे 0.3 MP का सेल्फी कैमरा भी मिल जाता है। इसके अंदर आपको 2000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। साथ में आपको यहाँ पे 4 GB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है, जिसको आप अपनी मेमोरी कार्ड लगाकर यहाँ पर 128 GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे LED टॉर्च देखने को मिल जाता है और वाईफाई, GPS, ब्लूटूथ, NFC जैसे फीचर भी देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट हमारा फोन है, ये आता है ब्लैकजोन कंपनी की तरफ से और इसका नाम है ब्लैकजोन XR4G। इसका प्राइस है 2299 रुपीज़ और ये आपको अमेजोन पर मिल जाएगा। ये फोन आपको गोल्ड, ब्लैक और ब्लू कलर में देखने को मिल जाएगा। इस फोन के अंदर आपको 2.4 इंच की TFT डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। साथ में आपको यहाँ पे 2 MP का रियर कैमरा देखने को मिल जाता है। इसके अंदर आपको 3000 mAh की एक बिग बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि आराम से आपकी 3 से 4 दिन चल जाएगी। और यहाँ पर आप अपनी डुअल सिम यूज़ कर सकते हो, एक 3G और 4G सिम यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। इस फोन के अंदर आपको मेमोरी कार्ड का भी सपोर्ट मिल जाता है, जो कि आप 64 GB तक यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर आपको ब्लूटूथ और ब्राउजर जैसे फीचर भी देखने को मिल जाएंगे। इस फोन के अंदर आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक भी मिल जाता है और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे FM रेडियो का भी सपोर्ट मिल जाता है, जो कि विद FM रिकॉर्डिंग के साथ आपको यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट हमारा फोन है, ये आता है iTel कंपनी की तरफ से और इसका नाम है iTel Magic 2 4G। इसका प्राइस है 2399 रुपीज़ और ये आपको अमेजोन पर मिल जाएगा। ये फोन आपको ब्लू एंड ब्लैक कलर में देखने को मिल जाएगा। इस फोन के अंदर आपको 64 MB की रैम देखने को मिल जाती है। साथ में आपको यहाँ पे 2.4 इंच की TFT डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। अगर हम बात करें इसकी कैमरा की, तो यहाँ पर आपको 1.3 MP का रियर कैमरा देखने को मिल जाता है विद LED फ्लैश और इसके अंदर आपको 1900 mAh की एक बैटरी देखने को मिल जाती है। इस फोन के अंदर आप डुअल सिम यूज कर सकते हो और यहाँ पर आपको 128 MB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है, जिसको आप 64 GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। इसके अंदर आपको कुछ एडिशनल फीचर्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग, वायरलेस FM, हॉट सपोर्ट थियरिंग और 8 प्रीलोडेड गेम्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट एंड फाइनल फोन है, ये आता है नोकिया कंपनी की तरफ से और इसका नाम है नोकिया 110 4G। इसका प्राइस है 2799 रुपीज़ और ये आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगा। ये फोन आपको एक्वा, चारकोल और येलो कलर में देखने को मिल जाएगा। इस फोन के अंदर आपको 120 MB की रैम देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको 1.8 इंच की TFT डिस्प्ले मिल जाएगी। अगर हम बात करें इसकी कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 0.8 MP का प्राइमरी कैमरा देखने को मिल जाएगा। इस फोन के अंदर आपको 1020 mAh की एक बैटरी देखने को मिल जाएगी और इस फोन के अंदर आप डुअल सिम यहाँ पे यूज कर सकते हो। यहाँ पर आपको 48 MB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है, जिसको आप 32 GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। इसके अंदर आपको वायरलेस FM रेडियो का सपोर्ट मिल जाता है। साथ में आपको यहाँ पे टॉर्च लाइट का भी सपोर्ट मिल जाता है। अगर हम बात करें इसके डिजाइन की, तो यहाँ पे आपको स्लीक के साथ यूनिक डिजाइन देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे आपको 5 मोबाइल के बारे में बता दिया है। अगर आपको इनमें से कोई मोबाइल फ़ोन पसंद आता है तो आप उसे बाय कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी दी हुई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपको इनमें से कौन सा मोबाइल फ़ोन पसंद आया, मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।